हेलो फ्रेंड्स, ओनली गार्डनिंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो है हमारा ब्लैकबेरी प्लांट के ऊपर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे लगाना है, इसकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है और कैसे फ्रूटिंग लेनी है। तो आइए फ्रेंड्स, ये प्लांट हमने काफ़ी सारी रिसर्च करने के बाद में एक ऑनलाइन नर्सरी से मंगवाया है। इसके लिए दोस्तों, इसकी मिट्टी में 30% वर्मी कंपोस्ट, 30% नॉर्मल गार्डन सोइल और 30% आप काऊ डंग का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही 5% बोन मील और 5% नीम खली का भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इसको धूप काफ़ी प्रचुर मात्रा में चाहिए होती है, तो कोशिश करिए ऐसी जगह लगाएं जहां इसको पूरे दिन की धूप मिल सके। इस प्रकार आप इसको पॉट में या ग्राउंड में कहीं भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको लगाने के बाद में इसको अच्छे से सपोर्ट ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये एक तरीके से वाइन की तरह ही ग्रोथ करता है प्लांट, और इसको अच्छे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसके नीचे से काफ़ी सारी नई नई ब्रांचेस निकलती रहती हैं और जो पुरानी ब्रांचेस होती हैं वो फ्रूटिंग के बाद में कट कर दी जाती हैं। तो ये देखिए दोस्तों, एक महीने बाद का अपडेट है, नई नई ब्रांचेस निकल आई हैं नीचे, और जो पुरानी ब्रांचेस हैं उनकी हम प्रूनिंग कर देंगे ताकि फरवरी मार्च के अंदर उन पर फ्लावरिंग हो सके। ये देखिए दोस्तों, कितनी सारी नई ब्रांचेज निकल आई हैं, और अब हम दिखाते हैं आपको 6 महीने बाद का अपडेट। तो ये देखिए दोस्तों, इसकी जितनी भी पुरानी ब्रांचेज थी उसके अंदर फ्लावरिंग हुई और उसके बाद में काफ़ी सारे फ्रूट तैयार हो गए हैं। वैसे दिखने में तो ये हमारे मलबेरी शहतूत की तरह होता है, लेकिन थोड़ा स्वाद में फ़र्क होता है। ब्लैकबेरी का स्वाद थोड़ा मीठा होता है, तो आप फरवरी में देखेंगे कि इसके फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और अप्रैल मई के अंदर इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और ये है दोस्तों जुलाई का अपडेट, हम इसकी हार्वेस्टिंग कर चुके हैं। इसके बाद काफ़ी सारी नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई हैं। जो पुरानी ब्रांचेस थी जिन पे फ्रूटिंग हुई थी उनको हमने कट कर दिया है, और उसके बाद में रूट के पास में काफ़ी सारी नई ब्रांचेस ग्रोथ कर रही हैं जिन पे अगले साल फिर से फ्रूटिंग होगी। तो इस प्रकार दोस्तों, आप भी एक बहुत ही स्वादिष्ट फ्रूट का मज़ा ले सकते हैं इसे लगा के। इसे लगाना बहुत ही आसान है और बहुत ही इजीली इसकी फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो जाती है, कोई ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती। तो आप ज़रूर इसे लगाइए और ऑर्गेनिक ब्लैकबेरी का घर में ही स्वाद लीजिए। वैसे इसकी ब्रांचेज की कटिंग करके भी आप जनवरी से फरवरी माह के अंदर इसे लगा के ट्राई कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसकी कटिंग से नया पौधा तैयार किया जाता है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।